नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार कर्ण और अर्जुन में एकदम घमासान युद्ध हो रहा है और VFX उस युद्ध को इस प्रकार से चित्रित कर रहा है कि यकीन मानिए ऐसा लग रहा है कि हाँ सही में दो महारथी लड़ रहे हैं। बहुत उत्साह पैदा कर रहा है और हाँ। देखने में इतना आनंद आ रहा है ना, कलर इमेजिनेशन है, ऊपर से हर बार उनके जो बाण होते हैं ना वो अलग से निकल, अलग चेंज कर रहे हैं इफेक्ट को। कभी ग्लास निकल रहा है, कभी थंडर आ जा रहा है, कभी आग बरस रही है। तो सबसे गजब था जब वो फायर एंड अंगराज कर ने वो बूंद में से निकाला और इधर अर्जुन का भी सेम दिखाया, तो बड़ा मजा आ रहा है VFX देख करके दोनों लोगों का। और इधर जैसा कि हमारे मामा हाथी को गिराने वाले हैं तो हमें एपिसोड में देखना कि हाथी किस प्रकार गिरता है या हाथी बीसों को गिरा देता है। देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड में, तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 232 पार्ट 2। चलो सारथी, हट सारथी, बैठे अभी वैसे बैठा बेचारा साइकिल में गद्दी नहीं खिला देती है। इनको तीर अभिमन्यु अभिमन्यु होगा, मैं रथ देख के समझ गया। हाँ वही तो, वही वही हमने भी देखा। भैया क्या अर्जुन तो वहां भी किए राष्ट्रीय, आज तक आपने अपने भतीजे को कोई भेंट नहीं दी, आज एक युद्ध मांग रहा हूँ, निराश मत कीजिएगा। आज नहीं बालक, आज तुम्हारे ताजश्री भीम की मृत्यु उसे बुला रही है। आज नहीं मीटिंग में आए बड़े अधिकारी से। तुम्हारे साथ मैं कल युद्ध करूंगा। जाओ यहाँ से, चलो साथी। ऐसे कवच आपने क्या समय जीत लिया है ताशी? आज का कार्य कल पर मत टालिए। कल अगर आप मेरी विनती मानने के लिए जीवित नहीं रहे तो कल करे तो आज कर, आज ही युद्ध कीजिए ताशी। पता था आ, 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 ये तो दुर्योधन की आवाज से भी टूट जाता। चैलेंज स्वीकार कर लिया लग रहा है, ऑप्शन भी तो नहीं है। जब वीर अभिमन्यु पितामह को नहीं जाने दिए, हट कर लिए थे, ये तो फिर से भाई मामा खाने को मिला अर्जुन के साथ मिली बर्फ पिघलो सेम रिपीट हो गया भाई। बचाओ जेस राता, बचाओ। अभी तो जेस किस कॉन्फिडेंस में रहता ना। बकरियों में घेरा है हाथी को, इनको तो बात नहीं कर दी है भाई। अग्नि गोला ब्रू दौड़ कहा व्यस्त है यार,
अच्छा युधिष्ठिर के साथ उन्होंने रोक रखा है भाई। सेम क्या भाई, रक्षण तो वही कर सकते हैं, अर्जुन कर सकता है, सब विमानों से रक्षण वही कर सकता है। मारो दादा बर्फ तोड़ो ताज कदम जाओगे। इसके लिए तो तुम्हें खुद पंखा बन के घूमना पड़ेगा दुर्योधन, फूकना पड़ेगा, फूकना पड़ेगा, रेत डालो रेत। वो चमत्कारी अग्नि है भाई। वाइन कदा कैसे फेंक दिया भाई, बहुत कूटेंगे भाई, बहुत कूटेंगे। तुम्हारा भाई उपचित्रण ने जो सभा में द्रौपदी को देखने के लिए अपना मस्तक उठाया था, तो ये गया इसका मस्तक भूमि के भीतर। पहला से अब तुम गिनती गिनो किस प्रकार हमने तुम्हारे अधर्म गिने थे, अब तुम अपने भाइयों के वध की गिनती गिनाओ। अरे भाई खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं दुर्योधन, अच्छी योजना भी बना रखी है ना। ओ हो मेरे को दे ये हाथ, मेरे को दे ठाकुर ये हाथ, मुझे दे दे मैं। भाई मैं तो मजाक कर रहा था, सीरियसली मांग रहे हैं। आओ दुर्योधन अपने पापी भाइयों के प्राणों का रक्षण करो। ये सुवर्मन ये द्यूत सभा में अपने मुख पर हाथ रखकर हंसा था ना, आज ये अपना हाथ खो देगा, खो देगा अपना हाथ। मैं तो मजाक कर रहा था, ये आदमी दे दे सीरियसली बात। दो तो तीन बजे है। पांचाली के वस्त्र हरण के समय तुम सौ भाइयों ने क्या किया था वो स्मरण है मुझे। सब हंस रहे थे। चित्र की भांति सब कुछ देख पाता हूँ मैं। छप गया तो सबको दंड मिलेगा, सबको दंड मिलेगा। ये है सुमन, आनंद से कूद रहा था ना, टांगे तोड़ दी दोनों। आओ दुर्योधन इसकी रक्षा कराओ। ये करेंगे जो कूदने वाला तो है। पैर तोड़ूंगा उसके बाद इसका मस्तक। अरे भाई राक्षसी वाला तांडव, मस्त तांडव है। लगातार भक्ति कर रहे भाई। Yeah!
भीम, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा भीम। भीम, आओ दुर्योधन वध करो, किंतु उससे पहले अपने भाई की मृत्यु तो देख लो। ये विकर्ण है, केवल इसने वस्त्रहरण रोकने का प्रयास किया। मैं इसका वध तो अवश्य करूंगा, किंतु इसे कम पीड़ादायक मृत्यु दूंगा मैं। नहीं भेद, यही क्षमादान है। चिल्ला रहा तो भाई एक गुस्से मर गया। जबन तू जैसे खमिस्ते नहीं ऐसी हुई है। भीम, बीस, बीस, बीस। मैं तो ये अपने नाम की चिल्ला रहा है। इसको ले जाके दरिया किनारे मार दो। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, बहुत प्यार करता था इस समय, तो थोड़ा आसान मौत देना इसको। ऐसा कुछ हुआ है विकर्ण के साथ? डायलॉग था साउथ मूवी का, तो वो मुझे याद आया। तो विकर्ण के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि इकलौते वही थे जो उस द्यूत सभा में खड़े थे, कौरवों की तरफ से खड़े थे कि ये कौरवों की नहीं सबकी तरफ से करते कि ये वस्त्र धारण, उनका पक्ष कोई नहीं था, बस ये था कि ये हाँ हमारी कुलवधु होती है, इनका वस्त्र नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपना सीधा रखा था पक्ष, तो इतना पक्ष तो उन्होंने रखा। लेकिन क्या है ना कि साथ जब आप धर्म का ना दो, अधर्म के साथ रहो, तो आपकी गति जो है वो सत्य गति तो नहीं हो सकती। अच्छा, यहाँ पे समाचार का माध्यम में मैं नोटिस कर रहा हूं, उधर धृतराष्ट्र को लाइव मिल रहा है और इधर जब मृत्यु हो रही है तो दिए बुझ रहे हैं, माता कुंती ने भी तुरंत मिल रहा है, हाँ वो भी मिल रहा है, और इधर आप दुर्योधन लाइव देख रहे हैं। तीन जगह समाचार अलग अलग चल रहा, एक जगह टेक्स्ट मैसेज जा रहा है, एक जगह लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है, और एक जगह तो तुरंत सामने सामने प्रत्यक्ष दर्शी है। क्या योजना बनाई है उधर अंगराज कर्ण को व्यस्त रखा है, अर्जुन ने हमारे इधर उनको युधिष्ठिर ने रखा है, और वीर अभिमन्यु को साथ ले लिया भीम ने अपने, कि तुम्हारा काम केवल ये है कि तुम किसी दुर्योधन को बांध के रखो, कद्दू को पकाओ, आखिर में काटेंगे अभी उसको निर्णय, ऐसा बाध्य कर दो कि मैं उनको तांडव दिखा सकूं, पूरा तांडव मृत्यु का। चलिए फिलहाल इस एपिसोड को हमें यही समाप्त करना होगा, शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।